एजाज अहमद है जी, गांव सा चोखा है। मेरा लड़का ढाणा बिहाया जी, ढाणे वालों ने यहां से पिनंगवा से किडनैप किया है लड़के को, पकड़ के ले गए, वहां 3 दिन तक रखा है, मारा पीटा है और बहुत ज़्यादा मारा पीटा है। मोबाइल भी मेरा लड़के से छीन लिया है, मोटरसाइकिल भी उन्हीं के पास है। 3 दिन हमने पुलिस में एप्लीकेशन लगाई है। एप्लीकेशन लगाने के बाद में पुलिस के जरिए हमको लड़के मिले हैं। तीन दिन बाद लड़के मिले हैं। हमने केस दर्ज करने के लिए कहा है तो अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। 10 दिन हो गए हैं, आते जाते रोज़ाना यही कहते हैं कि हाँ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा ही मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। अब इस बारे में सब हम नहीं कह सकते, बाकी शक यही होता है कि शायद ये उनके दबाव में है, पुलिस पूरे दबाव में है, इसलिए मुकदमा हमारा दर्ज नहीं कर रही है। दूसरे पक्ष वाले आकर के नहीं मुट्ठी हिला रहे हैं और हमारे पीछे ये कह रहे हैं कि करा नहीं लिया तुमने मुकदमा, क्या करा लिया तुमने हमारा, क्या कर लोगे हमारा, ऐसे ही सब हमको तो धमकी दे रहे हैं वो लोग। दूसरे पक्ष के बारे में ये कहा कि भाई उनको भी बुला करके तुम्हारा फैसला कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फैसला नहीं होगा तुम्हारा मुकदमा दर्ज कर देंगे। क्या चाहते हैं हम तो ये मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं जी, कानूनी कार्रवाई हो और हमको इंसाफ मिले। 10 दिन हो गया मिलते लड़का को अपहरण किया है हमारे को और थाने में रोज ही ना आ रहे हैं हम, तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, बता देते हैं कि भाई कल करेंगे परसों करेंगे, अभी टाइम नहीं, ऐसे कह देते हैं। लाना उनको बुला लूँगा, दूर से पार्टी को तुमको बुला लूँगा, कल लाना। मामला ये है, हमारा लड़का बिहार ढाणे, उसको उठा लिया पिनंगवा से, पिनंगवा आ गया आगे से। 3 दिन हमें उसको कैच करके रखा, 3 दिन हमने यहाँ दरखास्त पेश करी, हमारी दरखास्त ना सुनाई हुई, मारपीट करी लड़का के संग में। 3 दिन हम यहाँ लड़का ला के दिया है, हमारा थाने में आया लड़का, लड़कों को जब 3 दिन हम लेके गए यहाँ से हमें सुपरतदारी में लड़के छोड़ दिए, ले जाओ सुपरतदारी को लड़कों को, सुबह आ जाना मुकदमा दर्ज कर दूँगा, आज तक मुकदमा दर्ज। तो पुलिस का तबाह हम यही है पूरा, जब उनसे भी मिली हुई है, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, मुझे वहाँ रिश्ते की वजह से बुलाया गया था, उधर बुलाने के बाद उधर कोई रिश्ता विश्ता नहीं था। किसका रिश्ता था? मेरे साले का। उधर कोई रिश्ता नहीं था, फिर उधर से मुझे ताड़ दिया गया कि यहाँ हम नहीं भेज रहे इसको, तू जा। किसको? मेरी वाइफ को। तो फिर मैं वहाँ से आ गया, फिर वहाँ से 6 तारीख को मैं पिनंगवा गया था, पिनंगवा में मुझे घेर लिया, हम 2 लड़के थे, दोनों को अलग अलग बाइक पे बिठा कर हमको वहाँ लेकर फिर वहाँ मारपीट की थी अपने घर ले जाकर। कहाँ पे ले गए? पहले घर लेके गए थे, घर मारपीट की थी, फिर घर ले जाने कौन से गांव में? ढाणा। घर ले जाने के बाद फिर हमको उधर जंगलों में ले गए थे, फिर धमकी दे रहे थे कि इनमें पेट्रोल छिड़क कर आग लगाओ, फिर इन पे ट्रैक्टर भरवाओ, ट्रैक्टर भरवाए थे हमारे पास और हमारे कपड़ा भी उतरवाए थे। कपड़ा उतरवाने के बाद फिर हमको इधर वापस पिनंगवा में छोड़ दिया। मामले में पहले आपको बात दे चुका हूँ, जिसकी बातचीत तो चल रही थी, मैंने उसको सुनी है और इनको लैंड रोवर को होने की वजह से मैं अपना रूटीन करती हूँ, वो मेरे साथ है। मैं कल का समय दिया हुआ, कल का समय दिया यस, और मैंने आपको मित्र, मैंने आपको उसमें कहा था मैंने कल का समय दिया हुआ, आपने पहले मेरी बात ले चुके हैं, लेकिन आप फोर्सली मेरे को सुनने कह देना चाह रहे हो कि ना आज मैं बैठ दो, आज मैं बैठ दो, ये मेरी समझ से बाहर है कि आप मेरे पर किस लिए प्रश्न नहीं फोर्सली किस बात के, अभी 1 मिनट पहले आपसे मिल के गए हैं और आप थाने में बैठ गए हैं, आपको फोर्सली किस बात के होगी? ये तो पहले लोग मिले हैं, आपने मेरे मैंने पहले कोई आपने बाइट नहीं दी, मैंने आपने मेरे को मैं पहली बार इस मामले में आया, कोई 500 लोग आपके यहाँ पर आए हैं, वे हमारा 10 दिन के बाद भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अभी मिले हैं आपसे, मेरे सामने मिले हैं, और फिर उसके बाद आपका क्या वर्जन है इसके बारे में आपसे बाइट लेना चाह रहा हूँ। जो लोग मिले हैं क्या उनको आश्वासन दिया? देश विदेश की, राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।